हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलू टिक्की बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को 2 आवर तक भिगो कर रखा था। 2 हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर लें, नमक अपने स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करें, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर 4 आलू को बॉईल करके लिया है। जब आलू अच्छे ठंडे हो जाएंगे, हम इसको मोटे साइड से ग्रेट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पर 1/2 कप पोहा ले रही हूँ। पोहे को वॉश करके ऐड कर लेंगे। फिर 3 to 4 टेबल स्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करें, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लें। ऑरिगेनो अगर आपके पास ना हो तो आप चिकन मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हो। हाथों में ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 आवर के बाद हम इसको एक राउंड सा शेप देंगे। 1 स्पून की मदद से हम इसको इस तरह प्रेस करके एक कटोरी की शेप में कर लेंगे और दाल की स्टफिंग को इसमें ऐड कर लेंगे। फिर इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करके इसको एक हार्ट शेप देंगे। ऊपर की तरफ इस तरह प्रेस कर ले और साइड की कॉर्नर्स में इस तरह प्रेस कर लेंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हो गाइस, आपकी पसंद। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला बना रही हूँ। इसको भी हम इसी तरह स्टफिंग को फिल करने के बाद हल्के हाथों से प्रेस करके इस तरह शेप देंगे। आप राउंड शेप में भी बना सकते हो। ये टिक्की खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी रहती है गाइस। आप इसको वेज बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारे टिक्की बना लिया है और हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे अलट पलट कर। जब अच्छे से सिक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए एक साइड, इसको हल्के हाथों से पलट लें। हमारे टिक्की यहाँ पर पक चुके हैं दोनों साइड से। फिर अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे गाइस। तो आप देख सकते हो हमारे टिक्की कितनी टेस्टी और क्रिस्पी दिख रहे हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।